आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। को किडनैप कर लिया गया है, सारे हो गए हैं बाहर आकर इकट्ठा। तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में और एक और नए दिन में। आज तारीख है 30, मतलब नए साल आने में बस एक दिन बचा है और आज उठने में होगी काफी लेट। 10:30-11 बजे हुए हैं और मैं उठा था 10 बजे क्योंकि बाहर आई हुई थी बहुत तगड़ी वाली धुंध। और अभी जल्दी से नहाते हैं, आज जाना है हमें एक प्रोग्राम में। उसके बाद में बन रहे हैं घर पे मेथी के पराठे, तो वो खाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। पहले नहीं जाएंगे, पानी गर्म लगा देते हैं, फिर नहाना भी है और नहा के मेथी के पराठे खा के फिर चलते हैं प्रोग्राम में। हर बारी 2 दिन का वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है, तो चलो जल्दी से नहाते हैं और फिर चलते हैं। देखो, सूरज भगवान को आना था सुबह 7 बजे और अभी 11 बज चुके हैं, अभी तक ये एकदम बस निकले हैं। अरे भैया, आपकी सुबह लेट हो रही है क्या आजकल? तो मैं भी हो गया हूँ नहा धो के तैयार और बाहर आ गए हैं सारे दोस्त मुझे लेने के लिए। पता नहीं उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं। और जुल्फिकार और हबीबुल्ला भी जा रहे हैं हमारे साथ। गाइस, एक कैंपर गाड़ी है और मेरे को किडनैप कर लिया गया है ये, और ये इनका साथ दे रहे हैं। अगर मैं घर नहीं आऊं तो मेरी मम्मी को बता देना मेरे को किडनैप कर लिया है, एक दो प्लाट बेच के फिर दे जाके। पता कैसे लग गया तुम्हें वो किडनैप हो गए? एक सच्चा यूट्यूबर कैसे भी करके व्लॉग डालेगा। कमेंट करके बताओ ये पाइप कहाँ गई हुई है। तस्करी चल रही है, खुले आम। और वो वहाँ चल रहा है वॉलीबॉल का गेम। वैसे मुख्य कार्यक्रम कल होगा, ब्लड डोनेशन कैंप, श्रद्धांजलि सभा, और आज केवल गेम होंगे वॉलीबॉल के। ये देखो, दो आलसी थे भी खेले और वो जाओ थान टीम में जगा दी वादू जाओ। छह पूड़ियों को एक साथ नीचे पटक के और चबा चबा के खा के ये योद्धा वापस लौट रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हिमाचल की पहाड़ियों से आता है एक ऐसा शैम्पू जिससे होते हैं ऐसे बाल, घने सुंदर काले बाल। अब वहां से तो वापस आ गए हैं। स्टेपनी हो गई थी पेंचर गाड़ी की, तो रास्ते में रुक गए पेंचर निकलवाने के लिए। बाहर काफी सर्दी है तो मैं आके बैठ गया वापस गाड़ी में। तो अभी रात के बज गए हैं लगभग 7 और हम जा रहे हैं वापस मेले में। और ये जुल्फिकार और हबीबुल्ला भी जा रहे हैं मेले में, पिछले 2 दिन से मेले में ही जा रहे हैं लगातार। कल ये मेला खत्म हो जाएगा तो आज भीड़ काफी कम है। कल भी हम आए थे लेकिन कल से तो आधी भी भीड़ नहीं है आज। तो हम आ गए मेले से वापस घर और लगभग टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए हैं। अभी जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, सर्दी होगी, 2 दिन से बढ़िया धुंध आ रही है और कल चलना है उस प्रोग्राम में, ब्लड डोनेशन कैंप में, तो जल्दी सोना पड़ेगा। The next day. आज है साल का आखिरी दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज जा रहे हैं डोनेशन कैंप में, सारे हो गए हैं बाहर आकर इकट्ठा। आज काफी दल बल के साथ जाना पड़ेगा, मजाक कर रहा हूँ, सभी जा रहे हैं तो दल बल अपने आप ही हो जाएगा। ये देखिए, हमारी टीम धीरे धीरे सारी इकट्ठा हो गई है गली के बाहर। आज माहौल बनने वाला है बहुत ही खतरनाक। हेलो गाइस, केले खा लो। देखो बच्चों में कितना उत्साह है खून देने के लिए, बहुत उत्साहित है। सौरभ बेड़ा भी उत्साहित है खून देने के लिए। गाइस, केले खा लो। इस गेंद को दबाओगे तो खून निकल के बाहर आएगा। उफान खाया, देखो लौंडे में दम। देखो जुल्फिकार, तू भी खून देगा, बहुत मासूम है तू तो। गाइस, काला आदमी देखा है?
आ जाओ दिखा दूंगा। सर आप खून दे रहे हो क्या? थैली दिखाओ अपनी। वाह वाह वाह। अभी बोला एक साथ दो केले लेकर आया है। केला ले ले, तेरा हाथ में केला ले ले। रो मत रो मत। और ये भाई कुछ स्वयं भाई धोखा देते हुए लोकी को रघुवीर जी पर भरोसा करते हुए ब्लॉगर भाई। और ये भाई खून देते हुए अमूल्य खून मेरे खून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। थैली तो ले ली है भाई भाई, पर ये खून नहीं दे रहा है। समाज सेवा करते हुए हमारे भाई ले। अरे हुआ तो ला के गाइस सभी को खून देना चाहिए। खून देना अच्छी बात होती है, सुई मोटी होती है, इससे दर्द नहीं होता है कुछ नहीं होता है। मोटी होती है बस थोड़ा धक्कड़ धक्कड़। अगर मेरे को कुछ हो जाए मेरी मम्मी को कह देना वकील जी लेके गए। और कुछ ये हमारे भाई हैं, इनकी हाइट देखो। ये तीन थैली दे रहे हैं, अभी अभी फौज से आए हैं सिर्फ खून देने के लिए। हाँ गिंडी बीचो। ये इंसानों के बाद काले रोजड़ों का नंबर आता हुआ, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बड़े भाई जगदीप जी कालिया रोज को केला खवाते हुए। ये प्यार ऐसे बना रहे आपके बीच में। ये देखो ये लाइन और किसी चीज की नहीं है, ये वो पूड़ी सीख रही है उधर। उन पूड़ियों के लिए है ये लाइन। प्रदेश लेवल तक का आदमी आ रहे हैं पूड़िया की रेस में। तलब बहुत खतरनाक है पूड़िया की, है ना। सुगंध आ गई कि पूड़ी बने लगी। आज मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है वीडियो डिलीट करने का। प्रदेश लेवल से दबाव है लेकिन डिलीट नहीं हुआ वीडियो। भाई ने दिया है खून मेरे प्यारे भाई ने, ले केड़ो खा। मेट्रो हॉस्पिटल वाले बहुत ध्यान रखते हैं अपने मरीजों का, बहुत अच्छी तरीके से। चक्कर आने वालों को बहुत। तो अब बेड़ा भी आखिरकार चंगुल में फंस चुके हैं। अजय भाई बाबू भाई को भी पकड़ लिया है। बाबू भाई हमारे चंगुल में है। 107 यूनिट खून हो चुका है और अब देख रहे हैं रंगारंग गेम का प्रोग्राम। अभी फाइनल मैच की तैयारी। दोनों टीमों के प्लेयर आके आके बैठे भाई। अब मैं निवेदन करूंगा उप विजेता टीम के खिलाड़ी आए और तो गाइस रात के बज गए लगभग 6:30 और मैं आ गया हूँ वापस घर। आज का प्रोग्राम हो गया खत्म, तो आज के व्लॉग को भी करते हैं खत्म क्योंकि दो दिन का व्लॉग हो गया तो वीडियो काफी लंबी हो गई है। आप सभी को मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बाय, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।